भारत में 4000 से ज्यादा पार्टी है, 36 से 38% वोट पाके मोदी जी हैं यहाँ पर। पार्टी जब आप रजिस्टर्ड करा देते हैं ना तो आपको बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे आप क्षेत्रीय पार्टी बना लेते हैं तो सरकार आपको क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में ऐसे देखिए, सबसे पहले तो आपको पार्टी बनाना पड़ता है। तो भारत में 4000 से ज्यादा पार्टी है, कुकुरमुत्ता कैसे निकल जाता है हा? उस तरह से बहुत ज्यादा पार्टियां हो गई हैं। देखिए जो इसके पास इकट्ठा वोट आया उसका वैल्यू रह जाता है, बाकी सब स्केटर्ड हो जाते हैं लोग, समझ में कि नहीं। 32-33% वोट पाके 34% के आसपास, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 36 से 38% पाके मोदी जी हैं यहाँ पर, जबकि बाकी जो इसका स्केटर्ड हो जाता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो पहले तो आपको पार्टी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, पार्टी जब आप रजिस्टर्ड करा देते हैं ना तो आपको बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे आप क्षेत्रीय पार्टी बना लेते हैं तो सरकार आपको क्षेत्रीय पार्टी के लिए एक ऑफिस के लिए सरकारी जमीन अलॉट कराएगी, समझना क्या, फिर आपको विरोध करने का अधिकार होगा। ऐसे आप विरोध कीजिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर उल्लंघन का नाम लगा के आपके ऊपर केस ठोक देगा, समझना क्या। हम लोग अगर विरोध करें कि गलत हो रहा है, जैसे बीपीएससी टीयर 3 वाले में देखते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाले में, तो एक नॉर्मल आप लोग विरोध कीजिएगा ना तो लाठीचार्ज मार दूर तार देगा आपको, और ना तो केसों से ठोक देगा। लेकिन राजनेता रहिएगा तो कहेगा राजनीतिक विरोध, उसके लिए एक अलग नियम कानून है, राजनीति का क्या है अलग नियम कानून, तो बहुत सारे उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है राजकीय पार्टी होने का स्टेट लेवल पे ही यहाँ पर। और अगर नेशनल लेवल पे हो गए तो फिर उनका मत पूछिए, उनका चुनाव में पैसे खर्च करने का पावर बढ़ जाता है, दिल्ली में एक ऑफिस मिल जाती है, कितना अच्छा रहेगा आपको दिल्ली में 20 बीघा का एक ऑफिस मिल जाए। तो तुम्हें अभी नहीं गए आप लोग, मैं आज ये बात बताओ, जैसे दिल्ली एम्स है, एम्स है हमारे बिहार में मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार से हर साल हजारों मरीज दिल्ली एम्स इलाज कराने जाते हैं। सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि दिल्ली एम्स के आसपास में 2-4 एकड़ बीघा जमीन लेके एक बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का बना दे, उसमें रूम ना रखे, ऐसे ही हॉल छोड़ दे, बेड लगा दे। जो बिहार उहार से जा रहा है अपना बना लो, आंध्र प्रदेश से जो रहा है आंध्र प्रदेश सरकार बना लो, यूपी सरकार को कर यूपी सरकार बना लो, ऐसा बनाया है उन लोगों ने, लेकिन अपने रहने के लिए। हर राज्य का अपना निवास है, आप जाइएगा ना दिल्ली सेंट्रल विस्टा में तो इधर मिलेगा चाणक्यपुरी, वहां राजदूत रहते हैं लोग, इधर मंत्री लोग का बंगला, इधर उन लोग का बंगला, और हर राज्य का अपना भवन है, बिहार भवन, तो उसमें आप लोग चल जाएंगे, बड़ा बड़ा लोग जाएंगे उसमें, नहीं समझा, फर्स्ट क्लास ACUC सब चीज की व्यवस्था रहती है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे रूम मत दो, ऐसे ही हॉल छोड़ दो, लाइन से बेड लगा दो, इसमें कम से कम 400 बेड लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अब दिल्ली में कोई जा रहा है बेचारा, बिहार का आदमी में आप समझिए धरातल पे गरीबी इतना है कि ट्रेन में चना फुला के ले जाता है घर से बोतल में, कि हमारा जो 10 रुपया बच जाए, अगर उसको 2000-3000 रुपया होटल के जगह पे वहां 20-30 रुपया में रह जाएगा तो क्या अच्छा ही नहीं है जी यहाँ पे। तो वो बना सकते हैं लोग, तो क्षेत्रीय पार्टी के अपने 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 क्या होते हैं अधिकार होते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार और है, हेलीकॉप्टर लेके घूम सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता, क्षेत्रीय पार्टी का ले सकता है, या फिर रजिस्टर्ड पार्टी का क्या कर सकता है, ले सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह कोई नहीं ले सकता। अब जैसे क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, तो उसका चुनाव चिन्ह केरल में तो चल ही सकता है, नहीं समझे, नहीं चल सकता है। जैसे लालटेन छाप RJD है यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी, अब इसका चुनाव चिन्ह केरल में भी चल सकता है, बट चुनाव आयोग बचता है इस चीज से। रीजन क्या है, कभी क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी फिर उधर बवाल हो जाएगा, उसका छीनना पड़ेगा, समझा गया। वो अमूमन बचता है, लेकिन क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी हो जाए जैसे पंजा छाप, कमल छाप, नहीं समझ में आ गया, झाड़ू छाप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अपना अपना ये, किसी किसी का चुनाव चिन्ह तो रियल में मिल जाता है। अब जैसे हेलीकॉप्टर छाप है, ओरिजिनल हेलीकॉप्टर कहां से लाइएगा, लेकिन झाड़ू छाप चल देगा ले घर घर में, यहाँ पे पंजा में तो कुछ करना ही नहीं, अपने हाथ उठा लीजिए, हाँ कमल का फूल कहीं गढ़ा में से तोड़ लीजिए,